ओके okay, जी बसमाना अब स्टार्ट हम करने वाले हैं जी अपने एक पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट से जिसमें हम एक ऐप बनाएंगे बकायदा जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में दिखाई भी हैं और उस ऐप का मकसद और उसकी जो कोड्स हैं वो आपके साथ मैं शेयर भी करूँगा एंड वे विल टाइप फ्राम ए टू जी कुछ कोड में कॉपी पेस्ट भी करूँगा उसकी रीज़न ये है कि कुछ बेसिक फंक्शन जो कोडिंग की होती है इट विल टेप सेव टाइम तो आपको जब कोड मिल जाएंगे तो आप अंडरस्टैंड इजीली कर पाएंगे इस ऐप का मेन मकसद ये है कि आप docs यानी कि वर्ड डॉक्यूमेंट या पीडीएफ फाइल जो है उन्हें रीड आउट करके उनके साथ अपना कम्युनिकेशन कर सकें यूजिंग चैट जीपीटी या ओपन एआई की एपीआई को जो मैंने पहले आपको बताया अब स्टार्ट करते हैं और इस कोड को लिखना शुरू करते हैं एंड देन वी विल सी कि ऐप जो है वो किस तरीके से हमारे पास पूरी की पूरी बनती है और कौन-कौन सी लाइब्रेरीज चाहिए इस ऐप को बनाने का मकसद ये होगा कि ऐप जब भी कोई बनाई जाती है स्ट्रीमलेट पे पहला काम ये होता है कि ऐप से पहले उसकी फंक्शनैलिटी भी हमें पता चल जाती है कि अच्छा कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ हमारे काम के लिए किस काम के लिए यूटिलाइज़ की जा सकती हैं फॉर एक्ज़ाम्पल अब यहाँ पे ऐप का नाम मैं लिखता हूँ फोर्टी फोर मैं सिर्फ एक अपनी नेमिंग कन्वेंशन के ऊपर चल रहा हूँ ए पी आई ऐप डॉट पी वाई क्योंकि मेरे पास सीरीज़ जो हैं आ, आपके कोड्स की वो इसी तरीके से सेव हैं तो आई एम जस्ट राइटिंग डाउन इन माई कन्वेंशन आप कोई भी इसका नाम रख सकते हैं फिर आपको इसको स्ट्रीमलेट के ऊपर रन करना है सो यू नीड टू नो के आपके पास स्ट्रीमलेट इंस्टॉल है और जो लाइब्रेरीज इसके लिए चाहिए वो मैं यहां पे लिखना शुरू करता हूं uh, सबसे पहले जो इम्पोर्ट लाइब्रेरी आपने करनी है लाइब्रेरीज इम्पोर्ट लाइब्रेरीज लाइब्रेरीज उसमें सबसे पहली है इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एज एस टी सेकेंड हमारे पास होगी इम्पोर्ट पी वाय पीडीएफ टू ये क्या करेगी आपकी पी डी एफ फाइल को रीड करके और उसको कन्वर्ट करेगी उसके टेक्स्ट को इनटू डिफरेंट फॉर्मेट ये दो लाइब्रेरीज होगी फिर हमने इंपोर्ट आईओ करनी है ठीक है और फिर हमने यहाँ पे इंपोर्ट ओपन ए आई ओपन ए आई की पूरी अपनी लाइब्रेरी भी है जिससे आप इसकी फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग लॉन्ग चेन की जो एल एल एम मॉडल के अंदर ओपन ए आई का जो कॉन्सेप्ट है उसके बेस पे तो आप डायरेक्टली इससे भी यूज कर सकते हैं फिर हमारे पास आएगी डॉक्स डॉक्स टू टू टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट इस लाइब्रेरी का मेन मकसद ये होता है कि आप अपनी डॉक्स फॉर्मेट की जो फाइल है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं इन टू टेक्स्ट फॉर्मेट यानी कि आप वर्ड की जो फाइल है उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं ठीक है फिर इसके अंदर मैं एक और लाइब्रेरी कर रहा हूं जिसका नाम है पाइपर क्लिप क्लिप, में पाईपर क्लिप, पाईपर का, ये पेपर क्लिप अब इनका मकसद देखते हैं ये वाली लाइब्रेरी क्या करती है आपको स्ट्रीमलेट के एप्स बनाने में हेल्प करती है पाई पी डी एफ टू आपको करेगी पीडीएफ को रीड करने के लिए ये बेसिकली आपके सिस्टम को मैनेज करने के लिए डिफरेंट किस्म के फंक्शंस को मैनेज करने के लिए ओपन ए आई की लाइब्रेरी जो है ये बेसिकली आपको ओपन ए आई की जो एपीआई की है यानी कि उनके मॉडल जो लॉन्ग ऑनलाइन मॉडल है लॉन्ग चेन मॉडल वगैरह उनको यूटिलाइज करने के लिए आप करेगी ये डॉक्स टू डॉग्स यानी कि आपका वर्ड की फॉर्मेट को टेक्स में कन्वर्ट करेगी पाइपर क्लिप करेगी आपको एक बटन की फंक्शनैलिटी देगी आप क्लिक करें और वो सारा कॉपी कर लें टेक्स्ट जो आंसर आया वो होता है ना अक्सर वो कहा था आपने देखा होता है कोड लिखा होता है और कॉर्नर में एक बटन होता है या नीचे होता है तो ये पाइपर क्लिप आपको उसके लिए हेल्प करेगी अगर आप साथ साथ कोडिंग करते जाएंगे तो आपका ना कोडिंग में हाथ सेट रहेगा अदरवाइज जो दो आजकल चल रहा है बंदा कोडिंग भूलता जाता है और इसी वजह से मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा प्रैक्टिस के अंदर कोडिंग को लेके अब प्लान ये होता है जब भी आप कोई ऐप बनाए ना तो यहां पे जब आपने ये काम स्टार्ट किया उसके साथ ही आप कोई टाइटल दे दें एस टी डॉट टाइटल और इसको मैं डॉक्यूमेंट ए पी आई डॉक्यूमेंट रीडिंग ऐप लाइक चैट जीपीटी मैं कह देता हूं ठीक है ये सिर्फ इस वजह से मैं टाइटल स्टार्ट में दे रहा हूं ताकि अगर मैं इसको रन करूं यहाँ पे इसी ऐप को फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे 44 के अंदर मेरे पास लिखी हुई है स्ट्रीमलिट रन 44 एंटर तो जब हम इसे रन करें तो ये हमारे पास एक सेपरेट विंडो के अंदर ओपन हो जाए और हम इसको साथ साथ व्यू कर सकें लाइक दिस वन तो ये मेरे पास यहाँ पे रन कर गई है ठीक है सो आई नो कि ये मेरी ऐप बनती जा रही है इसको मैं साइड पे यहाँ पे अपने पास ओपन कर लेता हूँ ताकि मेरे पास ये ऐप जो है वो साथ साथ बनती जाए और साथ साथ में उसे देखता रहूं अब आपको मैं कोड साथ साथ दिखाता जाऊँगा और हम इस ऐप को डिवेलप करते जाएंगे इट्स रियली ईजी आप यकीन माने कि बहुत ही आसान है कोई इसमें बड़ी साइंस नहीं इन्वॉल्व बट स्टिलीडर बेट ऑन दिस ये तो मैंने टाइटल लिख लिया अब हमने काम कौन कौन से करने हैं जाहरी बात है जब आप गिटअप uh, को पायलट की जो ऐप है उसे ही साथ में यूज कर रहे थे, तो ये आपको सजेशन तो देता रहता है बट इट्स बेटर कि आप अपनी मर्जी से जो है वो काम करें ताकि आपके पास जो सजेशन है अगर आपको आ भी रही है तो आपको पता होगा ये ठीक सजेशन है ठीक सजेशन नहीं है बिकॉज सम ऑफ द टाइम्स यू आर वर्किंग ऑन यूर बिलीविंग ऑन द कोल्ड लेकिन वो बाद में एट द तो आपको पता होना चाहिए अब मैं चाहता हूं कि अपनी ऐप की लेफ्ट साइड पे ओपन ए की की मांगू क्योंकि मैं अपनी यूज नहीं करना चाहता वहां पे जो भी इस ऐप को यूज करे वो अपनी पहले की डाले वहां पे फिर वो इस ऐप को यूज कर पाए समझ रहे हैं बात को क्योंकि एपीआई जो है वो बेसिकली आप अपने अकाउंट के साथ लिंक करते हैं तो किसी ने भी यूज करनी है उसके पास फ्री एपीआई की है वो वहां पर डाले और उसे यूज कर ले उसके लिए मैं क्या करूंगा यहां पर ओपन ए डॉट एपीआई अंडर स्कोर की इसके इक्वल टू या तो आप पूरी की पूरी यहाँ पे अपनी की दे दें फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी की यहां पे रखूं तो मैं इस तरीके से उसे पेस्ट कर देता हूँ जो मेरी एक डमी की है काम करती है बट इट्स फाइन जब मैं इसको एस करता हूं ना तो मेरे पास ऐप में कोई चेंज नहीं आनी बट आई वॉन्ट टू एड काइंड ऑफ साइड बार हेयर ताकि उसके अंदर लोग अपनी एपीआई की डाल सके तो उसको लगाने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं क्या करते हैं हम यहाँ पे इसी चीज को मैं यहां पे कॉपी करके पेस्ट करता हूं और आपको पता है यहाँ पे अपनी की लिखने के बजाय आप यहाँ पे एक साइड बार डाल सकते हैं और साइड बार में यूजर इनपुट मांग सकते हैं जैसे हमने स्टार्ट में आपको याद होगा कि साइड बार बनाना स्टार्ट की थी अब उसी तरीके से हम एस टी डॉट साइड बार बनाएंगे और इसके अंदर टेक्स्ट इनपुट लेंगे ठीक है और उसे कहेंगे इंटर योर ओपन एआई एपीआई की मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं और इसके यहां पे हम एपीआई की मांगेंगे तो फौरन से हमारे पास आप चेक कीजिएगा इस तरीके से एपीआई की की एक बटन आ गया ठीक है तो यहां पे एपीआई की आ जाएगी इस स्क्रीन में सही है एंड देन अब हम पहले कोडिंग करेंगे फिर इस ऐप को देखते हैं कि कैसे काम करती है मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना ठीक है स्क्रीन नजर आ रही अब हमने क्या करना है फंक्शंस की बेस पे ऐप बनानी है जो खूबसूरती ऐप की फंक्शंस की बेस पे होती है ना वो सारी की सारी ऐप बना के बनाने में नहीं होती उसकी वजह क्या है कि आप बेसिकली तीन से चार फंक्शन डिफाइन करें या मैक्सिमम पांच या छह डिपेंड करता है आप किस किस्म की ऐप बनाना चाह रहे हैं और एट एंड मेन फंक्शन में उन सभी को नेस्ट करके रन कर दें हम वही स्ट्रेटेजी यहाँ पे अपनाने वाले हैं और मैं आपको वन बाय वन करके फंक्शन जो है यहाँ पे दिखाने लगा मैं यहाँ पे पहला फंक्शन लेके आता हूँ विच इज डिफाइनिंग द फंक्शन टू एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम पी फाइल ठीक है और लाइब्रेरी हम इसके लिए कौन सी यूज कर रहे हैं ये वाली पाई पीडीएफ 2 अब यहां पे सबसे पहला काम क्या करना है हमने डिफाइन करना है फंक्शन जिसका नाम है एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम पीडीएफ ठीक है और किससे लेना है फाइल से ऑब्वियसली फाइल कोई ऐसी चीज होगी जिसका हम एक अपलोड बटन बनाएंगे और वो जो भी टेक्स्ट उसके अंदर होगा वो फाइल कंसीडर हो जाएगी ठीक है सो वी शुड कीप इट दैट इन माइंड हमने क्या करना है एक बाइट्स आयो ऑब्जेक्ट बनाना है जो आईओ के अंदर से निकलता है जिससे क्या होता है कि फाइल रीड होती है यानी कि जब भी आप कोई चीज ऐड करते हैं तो वन बाय वन करके उस फाइल को रीड करता है जो टेक्स्ट हमारे पास अपीयर हो रहे होते हैं वो बाइनरी कोड्स के अंदर हो रहे होते हैं ठीक है थीके? तो उन टेक्स्ट की फॉर्मेट को रीड करके कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आईओ की लाइब्रेरी को यूज करके आपको फाइल का पीडीएफ ऑब्जेक्ट जो है वो बना के दे देगा फिर हमने क्या करना है पाई पीडीएफ डी टू की लाइब्रेरी से पीडीएफ रीडर को निकालना है

तो एक ही दफा ये कोड रन होगा अदरवाइज ये बार 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 हर पेज पे जाएगा तो जितनी लेंथ है उसके पेजेस की उसके हर पेज के ऊपर ये एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट का आपने कमांड रन करनी है इससे क्या होगा हर एक पेज के ऊपर फोर लूप चलेगा और आपका टेक्स्ट निकल के आपके पास एक स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगा बेसिकली इसका ये मकसद है ये इस फंक्शन का तो इस फंक्शन को हम कहते हैं एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम पीडीएफ या आप अपना नाम रख लें कि पढ़ना आप इस पर कोई भी फंक्शन का नाम रख सकते हैं सेकेंड फंक्शन इज डिफाइनिंग अ फंक्शन टू एक्सट्रेक्ट टेक्स फ्रॉम वर्ड फाइल अक्सर कहा था ऑनलाइन एप देखेंगे ना जो लोगों ने बनाई हुई है उन्होंने पीडीएफ में बनाई होती है ज्यादा तो अगर आप चाहते हैं कि वर्ड फाइल भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल भी मैं रीड करवा सकूं अपनी एप के थ्रू और उसको चेक कर सके सो यू कैन डू दिस डिफाइन एक्सट्रेक्ट टेक्स फ्रॉम डॉक्स ऑब्वियसली हमने कौन सी लाइब्रेरी यूज करनी है डॉक्स टू टेक्स सेम वही प्रोसीजर

सिंपली आपने फाइल को डिकोड करना है यूटीएफ एट के अंदर यूनिकोड के अंदर ठीक है और ये यूनिकोड के अंदर ऑटोमेटिकली हो जाएगा यूजिंग बेसिक लाइब्रेरीज इन पाइथन तो आप फाइल डॉट रीड करेंगे उसको डिकोड कर देंगे यूटीएफ एट के अंदर तो वो सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा अब आप गौर करें हर फंक्शन के अंदर टेक्स्ट नाम का ऑब्जेक्ट है हमारे पास विच इज हैविंग द होल टेक्स्ट फ्रॉम दैट फाइल जो हम अपलोड करने वाले हैं ठीक है अब आगे चलते हैं। अब हमने क्या करना है डिफाइन करना है एक फंक्शन लाइक दिस वन इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं? कोई भी एक टाइप होगी किसी भी किस्म की उससे टेक्स्ट निकाल लेना ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर फाइल टाइप पीडीएफ है तब अगर फाइल टाइप कुछ और <laughs> वर्ड प्रोसेसिंग है सॉरी तब भी ऑफिस की फाइल है कोई भी तब भी डॉक्स फाइल है तब भी टेक्स फाइल है तब भी अनस्पोर्टेड फाइल है तो वो एरर आ जाएगी कि अनस्पोर्टेड फाइल है अक्सर औकात आपने देखा होगा ना आप फाइल टाइप को चूज करते हैं वो नीचे मैसेज आ जाता है कि भाई ये वाली स्पोर्टेड फाइल नहीं है तो हमने ये फंक्शन वो बनाया तो हमने क्या किया बेसिकली पिछले तीन छोटे छोटे फंक्शन जो है आप वो भी यूज कर सकते हैं और उनको इकट्ठा करके एक मेन फंक्शन हमने बना दिया एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम फाइल अब यहां पे चेक करें अगर पीडीएफ का नाम होगा तो ये वाला फंक्शन लग जाएगा जो हमने पहले बनाया हुआ है ऊपर ठीक है अगर आप देखें यहां पे वर्ड की बात होगी तो डॉक्स वाला लग जाएगा अगर आप देखें टेक्स्ट की बात होगी तो टेक्स्ट वाला फंक्शन लग जाएगा ये वाले फंक्शन नेस्टेड फंक्शंस हैं इनसाइड दिस फंक्शन ठीक है ये मेन फंक्शन है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फाइल और अगर पीडीएफ है तो ये वाला फंक्शन चल पड़ेगा डॉक्स है तो ये वाला टेक्स्ट है तो ये वाला तो इसका मतलब ये है कि हमने एक मेजर फंक्शन बना लिया कि अगर ये वाली कंडीशन हो तो ये चल पड़े अगर डॉक्स वाली कंडीशन हो डॉक्स चल पड़े पीडीएफ वाली हो तो पीडीएफ चल पड़े दिस इज जस्ट रियली सिंपल थिंग अब अगला काम हमारा ये है हमने फंक्शन डिजाइन कर लिया है और बिलीव भी यहां तक आपकी ऐप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप चेक कर लें आपकी ऐप वहीं की वहीं है क्यों क्योंकि हमने फंक्शन डिफाइन किए हैं अभी यूटिलाइज नहीं किए ना वी नीड टू यूटिलाईज दो मे बी वी नीड टू डिफाइन मोर फंक्शन रीजन क्या है हमने फाइल को अपलोड करके एक यूजर से यह भी पूछना है कि हम क्या चाहिए तुम्हें सवाल तो सवाल के लिए खाना बना के देना यहां पे सवाल पूछो उसके लिए हम क्या करते हैं एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं इज कॉल्ड गेट क्वेश्चन फ्रॉम जीपीटी ठीक है अब आपने क्या करना है बेसिकली होता ही डिफाइनिंग फंक्शन चु जनरेट क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट यूजिंग ओपन ए आई जीपीटी थ्री तो यहां पे क्या होगा आप ओपन ए आई के जो जीपीटी थ्री की एपीआई है जो हमने स्टार्ट में मांगी थी यूजर से उसको यूटिलाइज करने के बाद आप यहाँ पे अपने टोकन डिफाइन करेंगे प्रॉम्प्ट के कि कितना लंबा प्रॉम्प्ट होना चाहिए और एट एंड उसका दिस्पॉन्स यहाँ पे आएगा और अक्सर औकात मैक्सिमम टोकन जो यहाँ पे आपने दिए होते हैं और टेम्परेचर दिया होता है ये डिफाइन करते हैं कि कितना लंबा आंसर आपको मिलना है तो एपीआई की कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं आप यहाँ पे समझिएगा इस बात को एपीआई से आपको लंबे वाले आंसर नहीं मिलते अगर आप ज्यादा पे करेंगे लंबे वाले आंसर भी मिल सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस और कुछ एपीआई ऐसे होते हैं जो सिर्फ इसीलिए बनी होती है आंसर लंबे मिलेंगे सो इट डिपेंड्स जैसे आपने देखा होगा जीपीडी फोर स्लो चलता है लेकिन एक्यूरेट आंसर देता है इसी तरीके से ये एपीआई आपके डिपेंड करती है कि उसकी लिमिट क्या है अक्सर कहा दिस इज ओनली फोर्टीन नाइनटी सिक्स टोकन टोकन क्या होते हैं टेक्स्ट के वर्ड जो होते हैं बेसिकली ठीक है तो आप उतने वर्ड्स का आंसर ले सकते हैं उसके अंदर अंदर आपको आंसर मिलेगा सो दिस इज समथिंग लाइक दैट और यहां पे आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा तो ये फंक्शन क्या करता है बेसिकली आप कोई भी प्रॉम्प्ट लिखते हैं प्रॉम्प्ट लिखने के बाद आपके ये आंसर प्रोवाइड करेगा यूजिंग एपीआई अब हमने क्या करना है अब तो हमें यहां पे मिल जाने सेकेंड हमने एक और फंक्शन जनरेट करना है जो हमें बेसिकली स्पेसिफिक बेस्ड ऑन द आंसर हमें आंसर प्रोवाइड करे फॉर एग्जाम्पल अगर आप गौर करें ये जो ऊपर वाला फंक्शन है ये वाला और नीचे वाला फंक्शन इनमें कोई खास फर्क आपको नजर आ रहा है अगर गौर करें तो या नहीं गेट क्वेश्चन फ्रॉम जीपीटी गेट आंसर फ्रॉम जीपीटी यहां पे टेक्स्ट है यहां पे क्वेश्चन है तो बेसिकली जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आंसर में बेसिकली आपका क्वेश्चन जो है वो भी इंटरप्रेट होता है जब हम इसको रन करेंगे देन आई विल शो यू तो आपको इसका मजीद पता चल जाएगा और आप क्वेश्चन और आंसर को डिफरेंट रिस्पॉन्स और प्रॉम्प्ट में डिवाइड कर सकते हैं प्रॉम्प्ट होता है जो आप पूछ रहे हैं रिस्पॉन्स होता है जो आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है ठीक है अक्सर को आप चैट जीपीटी से जो पूछते हैं वो आपका प्रॉम्प्ट है जो वो आपको आंसर देता है वो आपका रिस्पॉन्स है तो आप इन दोनों को सेपरेट फंक्शन के अंदर यहाँ पे लिख सकते हैं बेस्ड ऑन योर

स्ट्रीमलिट की ऐप का कोड उठाते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से मिलता है डिफाइन मेन होता है ना अक्सर उकात आपने देखा होगा तो ये क्या होता है ये बेसिकली आपकी स्ट्रीमलिट की पूरी की पूरी ऐप है पीछे आपने फंक्शन डिफाइन की हैं उन फंक्शन का यूज इस जगह पे है इस मेन फंक्शन के अंदर कैसे लेट सी नाउ सबसे पहले आपने इसको मेन डिफाइन कर दिया सबसे पहले आप अब आपने क्या करना है इसका टाइटल देना है यहां पे आपने टाइटल देना जो हमने स्टार्ट में दिया था वो भी ठीक है लेकिन यहां पे अगर आप देते हैं तो ये जब रन करेगा फंक्शन ये वाला टाइटल भी वहां पे आएगा आई विल शो यू देन आपने क्या करना है क्रिएटिंग अ फाइल फाइल अपलोडर फॉर वर्ड और टेक्स्ट टाइप्स तो अपलोड फाइल के लिए स्ट्रीमलिट का एक फंक्शन है जिसका नाम है फाइल अपलोडर वहां पे मैसेज आएगा चूज ए फाइल टाइप आप इन तीनों में से कोई भी डाल सकते हैं इसके अलावा कोई और टाइप हम एक्सेप्ट नहीं करते देन checking if a file has been uploaded. If uploaded file is not none, ठीक है? Then you will run this extract text from file. वो ही function के जिस किस्म की file होगी उस किस्म का function run होगा. जो हमने पीछे बनाया था ना function अपना कि extract text from file. अगर PDF है तो PDF वाला function चल पड़ेगा. Docs है तो Docs वाला text है तो text वाला. And then checking if the text was extracted successfully. अगर text बिल्कुल आ गया ठीक त्रीक तरीके से तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर का जो कमांड है वो लगने स्टार्ट हो जाएगी इफ यूजर हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन तो आपका नीचे आंसर सक्सेसफुली प्रिंट होगा अदरवाइज नहीं होगा ठीक है एंड वी विल रन दिस और आपको मैं बारी-बारी इसकी लाइन ऑफ कोड्स जो है वो दिखाता हूं मैं इसको कंट्रोल एस करता हूं अब आप चेक करें आपको क्या लगता है अभी रन करेगी ये चीज अभी भी कुछ नहीं आया यहां पे रन कुछ नहीं आया अभी भी क्या मसला हो सकता है क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया कॉलिंग द मेन फंक्शन उसको ऐसे कॉल करते हैं और ये बेसिकली इस तरीके से आप कॉल करेंगे अब आपके पास पूरी की पूरी ऐप जो है वो काम करेगी लुक ये आपके पास ऐप आप पूरी की पूरी काम कर रही है ठीक है अगर आप फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तो नहीं करेगी अब मुझे बताएं कि यहां पे अगर हम पीडीएफ ड्रॉप करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप भी है तो कौन सा फंक्शन रन करेगा पीडीएफ वाला टेक्स्ट करेंगे टेक्स्ट वाला डॉक्स करेंगे डॉक्स वाला आप ब्राउज भी कर सकते हैं मैं यहां पर ब्राउज करता हूँ ब्राउज करने के बाद ये पी मैंने डाली यहाँ पे एंड मुझे जवाब मिला कि जनाब यहाँ पे आपने ए की नहीं दी हुई तो मैं यहाँ से अपनी ए की जो है वो उठाता हूँ वही काम जो हमने स्टार्ट में किया था इसको पेस्ट करता हूँ एंटर करता हूँ इट विल रन दैट अब क्वेश्चन अन नोन आ रहा है यहाँ पे मतलब क्वेश्चन पूछा ही कोई नहीं हुआ ये थी वो चीज है अगर क्वेश्चन आप नहीं पूछ रहे तो वहां पे क्वेश्चन लिखा आ जाए सेकंड ये है कि आज का क्वेश्चन यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले भी करके दिखाया था समराइज एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास रन होगा ये मेरे पास इस तरीके से रन होकर आ गया अब चेक करें कि यहां पे क्वेश्चन था यहां पे मुझे उसका आंसर मिला छोटा सा फिर मेरे पास आगे आंसर और क्वेश्चन का कमेंट आ गया अब मैं उस एक फंक्शन को हाइड करता हूं जो मैंने आपको पहले दिखाया था and then we will see इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है फॉर एग्जाम्पल दिस वन वॉज द फंक्शन मैं उसको हाइड करता हूँ बल्कि इसको स्टॉप करते हैं गेट क्वेश्चन फ्रॉम जीपीटी टेक्स्ट Get answer. Yes. ये उस फंक्शन को मैंने ब्लॉक किया यहाँ पे आप देखें अब यहाँ पे वो क्वेश्चन लिखा नहीं आ रहा जो पहले आ रहा था ठीक है सो इसका सिर्फ इतना सा फंक्शन था कि आप इसको बेसिकली स्टॉप कर सकते हैं

तो इट विल टेक टाइम क्योंकि आपकी अपनी प्रोसेसिंग यूज हो रही है तो ये मेरे पास आंसर आया मैं कॉपी आंसर टेक्स्ट पे ये पाइपर क्लिप का फंक्शन है बेसिकली इसपे क्लिक करता हूं तो यहां पे रन कर रहा है इट विल टेक टाइम टू कॉपी कॉपी आंसर टेक्स्ट टू बोर्ड तो ये बटन की फंक्शनैलिटी इसके अंदर डाली थी यू कैन डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल मैं अभी आपको कोड दिखाता हूँ जहां पे बटन का फंक्शन आ रहा था ये लास्ट में ये है जी क्रिएट किया हुआ एक बटन छोटा सा एंड पे जा ये करेगा क्या इस पर क्लिक करने के बाद कॉपी कर लेगा आंसर को जो आंसर हमारे पास आया था और इस तरह की जो मार्केट में भी आप, कर सकते हैं। आप, uh, इसको आप क्या कर सकते हैं अपने पूरे के पूरे फोल्डर को भी रीड आउट करवा सकते हैं इफ़ यू नो हाउ टू यूज आई ओ लाइब्रेरी ठीक है आईओ को अगर आप यूज करके पूरे के पूरे फोल्डर में फाइल्स दें और अपने चैट जीपीटी के एल्गोरिथम या जो जो आपने ऐप बनाई है लैंग्वेज मॉडल को यूज करके आप पूरे के पूरे फोल्डर को भी रीड कर सकते हैं विच इज वेरी हेल्पफुल इफ यू हैव अ लॉट ऑफ बुक्स फॉर हेल्पफुल्जाम्पल आपके पास एक बहुत बड़ी फॉर एग्जाम्पल कुरान मजीद आपके पास पीडीएफ uh, के अंदर मौजूद है इंग्लिश में सो यू कैन डू काइंड ऑफ बिग एनालिसिस विद डैट तो आप पूरे के पूरे इंग्लिश की पी डी एफ के ऊपर पूरा के पूरा एनालिसिस रन कर सकते हैं देर आर मेनी मेनी अदर थिंग्स इफ यू थिंग टू रन ऑन बुक्स अब आप खुद सोचें कि अगर आपके पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल अगर उर्दू का ट्रेन शुदा पड़ा हुआ है वट यू कैन डू विद दैट आप पूरी की पूरी बुक का एनालिसिस कर सकते हैं उर्दू की बुक्स का सो देर आर एंड लेस अपरचुनिटीज इफ यू नो आई मीन बाकी आप पे डिपेंड करता है आप इसको कैसे यूज करते हैं ये पूरे का पूरा कोड तो मैं आपको सेंड कर दूंगा लेकिन एक ममानियत है कि आप कोड को एज इट इज पब्लिश नहीं करेंगे आप इसमें कुछ चेंज करके ये नहीं कि ऊपर अपना नाम लिख के अपलोड कर देंगे चेंज का मतलब यू नीड टू चेंज समथिंग चेंज करके आप इसको किसी भी तरीके से फंक्शनैलिटी ऐड करें कोई ग्राफ ऐड करें कोई अच्छी सी तस्वीर लगाएं लोगो बना लें अपना और इसको बकायदा ऑनलाइन करें स्ट्रीमलेट के ऊपर ठीक है और बिलीव मी ये आपका एक नाइस पोर्टफोलियो हो सकता है कि आई यूज लार्ज लैंग्वेज मॉडल इन साइड जो मैंने बेसिकली टेक्स्ट की ऐप बनाई थी ठीक है अब इस बारे में एक छोटी सी बात मैं कर दूं दुला भाई ने अभी बात की है ये मार्केट का बहुत बड़ा गैप है अभी तक रिसर्चर्स को यही नहीं पता कि एफ से वो बातें कर सकते हैं बहुत ज्यादा कम्युनिटी पाकिस्तान के अंदर अगर आप चाहें ना इसी चीज को सेल कर सकते हैं इस तरह की एक आइडिया पे अपना काम स्टार्ट करें अपनी ऐप बनाएं और मैं दो प्लेटफॉर्म आपको बता देता हूं जहां से आप इस ऐप को स्टोर करके आगे चला सकते हैं एक एडब्ल्यू एस का एमेजॉन वेब सर्विसेज वहां पे आप पाइथन कोडिंग के थ्रू स्ट्रीमलिट के थ्रू ही इसको के लोगों को बता सकते हैं। आपका आप अपलोड कर दे। तीसरा है हिरोकु। हिरोकु पे इसको डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं तो जो रिसर्चर्स हैं जो बेचारे जिनको ये नहीं पता कि अपने पूरे के पूरे फोल्डर से बातें कर सकते हैं क्योंकि वो जब जब उन्हें कोई चीज चाहिए होती है पीडीएफ के अंदर जाते हैं अंदर जाने के बाद कोई चीज फाइंड आउट करते हैं सो अ बिग गैप मार्केट आपने करना है अगर किसी की वो पंजाबी में कहते हैं लुतरू चलती है ना लुतरों से मुराद होता है कि जुबान चलती है दे कैन एक्चुअली सेल इट इन हाई प्राइस जिसकी नहीं चलती जुबान तो वो इसको भी नहीं सेल कर सकता मार्केटिंग आप सीख लें तो ये एक बेहतरीन चीज है टू अ काइंड ऑफ एप बेस्ड ऑन लार्ज लैंग्वेज मॉडल बात वही है इट्स अ फ्रंट एंड ऑफ ओपन ए आई का बट जिसको नहीं पता उसके लिए बहुत बड़ी बला है क्योंकि जब मुझे नहीं पता था कि चैट पीडीएफ कैसे काम करती है वज थिंकिंग कि यार ये फ्री में होनी चाहिए बट वेन आई ट्राई टू सर्च कि चैट जी पी आया अब कुछ और भी नया हो सकता है सो दैट वॉज द सोल्यूशन स्टिल इवन दो अगर मैं इस ऐप को अपनी लैब में इंट्रोड्यूस करवाऊं या किसी ऐसे रिसर्चर के पास इंट्रोड्यूस करवाऊं जिसके पास मिलियंस की फंडिंग है उसको कोई एक डेढ़ लाख रुपया स्पेंड करने में कोई मसला नहीं होगा आई नो कि वो सॉफ्टवेयर नहीं परचेज करेंगे लेकिन मार्केटिंग पे डिपेंड करता है और आपको एक बड़ी नीच बताने लगा हूँ आज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को पाकिस्तान में एच की तरफ से कुछ चौदह चौदह मिलियन पंद्रह पंद्रह मिलियन के प्रोजेक्ट मिलते हैं पाकिस्तानी पी में तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है आप उनके साथ गपशप करें और उनके साथ मिलकर ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं और इस पर काम करें दिस कैन चेंज द फ्यूचर इफ यू थिंक इन राइट वे बाकी आपकी अपनी मर्जी है ओके okay. अभी उसमा भाई कह रहे हैं कि एपीआई का पता नहीं लगता कि किसी को कहाँ से लेनी है मैं अभी आपको दोबारा से वो चीज दिखाने वाला हूँ और आई नो कि ये बहुत लोगों का मसला होता है कि ए पी आई कहाँ से लेनी है और मैंने पहले भी आपको दिखाया था अब दोबारा से दिखाता हूँ आपने जाना है ओपन ए आई पे ठीक है ओपन ए आई ये मैं गया ओपन ए आई पे ओपन ए आई पे जाने के बाद आपने लॉग इन करना है ठीक है लॉग इन करने के बाद ए पी आई यहां पे क्लिक करना है काम की चीज क्या है वो मैं बता देता हूं। personal पे जा के, view API पे जाना है यहां पे अपनी नई क्रिएट करते जाए सिंपल लेकिन डिफॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन आपने बतानी है कि क्या है पर्सनल है personal है अक्सर औकात क्या होता है लोग जो हैं वो डिफरेंट तरीके से नहीं यूज करते हैं आई नो के देर आर मैनी थिंग्स जो फ्री uh, में आपको नहीं मिलती बट ओपन ए आई की जो एपीआई आपको फ्री में भी मिल जाती है गुड लक विद द एप्स ये था हमारा प्रोजेक्ट जारी बात है आपको तो जल्दी जल्दी समझ आ गया होगा लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए बला चीज है और बिलीव मी जितने आज तक बड़े बड़े फन्ने खान जिसे मैं बोलता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैठे हुए हैं या वेबसाइट डेवलपर बैठे हैं उनसे स्टैक ओवरफ्लो का पूछिएगा और फिर उनसे दूसरी बात पूछिएगा कि अगर स्टैक ओवरफ्लो ना होता पिछली दुनिया में मतलब तो पिछले सालों में जब चैट जी नहीं था तो वो प्रोग्रामिंग कैसे करते बिलीव मीन दे विल टेल यू कि भाई स्टार्ट में बंदे कॉपी पेस्ट ही करते हैं सो यू शुड नो द आइडिया आइडिया की कीमत है पीछे क्या चल रहा है कोई नहीं पता किसी को आइडिया बेचना सीखे